हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी इंडिया में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव चल रहा है। उसके कारण काफी एरियाज में इंडिया के लॉकडाउन भी चल रहा है, और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में काफी हमारे भाई बहन जॉबलेस हैं, जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। सो सबसे बेस्ट सजेशन मेरा ये रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप अपना रिज्यूम जो है ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाकर बनाइए, और उन्हीं पोर्टल्स पर जाकर अपना रिज्यूम अपलोड कीजिएगा जो कि जेन्युइन वर्क करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स लेकर आए हैं जेन्युइन पोर्टल्स से, और इन जॉब्स को जो है आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको या तो टेलीफोनिक इंटरव्यू रहेगा, या तो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपलोड किया है फॉर दिस सिचुएशन। सो ज्यादातर अपडेट्स आज के फ्रेश इंजीनियर्स के लिए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का पहला अपडेट है कॉम विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सो कॉम विजन के वर्किंग प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो ये डाइवर्सिफाइड है इन इंटेलिजेंस, ट्रैफिक, ई टोल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और कॉम विजन के ई टोल सॉल्यूशन इज एन ERP स्पेशली डिजाइन टू सूट इंडियन व्हीकल पेमेंट सिस्टम एंड कैलिब्रेशन इन इंडिया। सो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग आपके पास है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आगे देखते हैं, जो एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास मैक्सिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्किल्स का रिक्वायरमेंट है आपके पास बिफोर अप्लाइंग, जैसे कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किटरी एंड वायरिंग स्टैंडर्ड्स का, और आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का। और जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, एंड ही शुड बी रेडी टू ट्रैवल, यानी कि ज्यादातर ये ट्रैवलिंग जॉब रहेगा, इसलिए मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जॉब रोल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सिस्टम्स इंजीनियर या फिर साइट इंजीनियर का, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा यहाँ पर ज्यादातर ट्रैवलिंग रहेगा, इसके लिए आपका जॉब रोल रहेगा एज ए साइट इंजीनियर का। और उनका डे टू डे जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, जैसे कि उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस करना होगा, and he has to manage the complete hardware installation starting from the electrical wiring, system configuration, inspection, testing and regular maintenance of electronic equipment installed. और उसको installation and maintenance करना होगा electrical systems को। So ये कुछ details थे job description के। आपको complete job description देखना है तो आपको मैं link description box में provide कर दूंगा, आप वहाँ पर पहले complete job description को checkout कीजिएगा, उसके बाद ही आप apply कीजिएगा। और यहाँ पर इनका location रहेगा शिवपुरी मध्य प्रदेश के लिए। उसके लिए जो है आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा रेंज 15,000 से लेकर 18,000 पर मंथ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए तो आप डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर कंपनी का वेबसाइट भी मेंशन किया है, अगर आपको और भी कुछ कंपनी के डिटेल्स जानना है तो आप कंपनी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, VPN एजेंसी। VPN एजेंसी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इन साउथ इंडिया, और काफी एरियाज में ये अपने सर्विसेज देते हैं, जैसे कि मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, पैनल बिल्डर्स, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री, विंड एनर्जी सेक्टर एंड अदर OEMs में। और क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग, आपके पास डिप्लोमा या BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, और जॉब रोल रहेगा आफ्टर सिलेक्शन एज ए PLC प्रोजेक्ट इंजीनियर। और यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा जैसे कि PLC प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना होगा इरेक्शन से लेकर कमीशनिंग तक, और कोऑर्डिनेट करना होगा जो भी साइट टीम है उनके साथ, और उनको सैलरी रेंज दिया जाएगा 8,000 से लेकर 12,000 के बीच में। साथ में उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि सेलफोन रीइंबर्समेंट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी दिया जाएगा। जॉब लोकेशन रहेगा कोयम्बतूर तमिलनाडु में। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, आप जो है अपना रिज्यूम इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। और भी अगर आपको कुछ कंपनी के बारे में डिटेल्स जानना है तो आपको कंपनी का वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और कंप्लीट डिटेल्स को आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग। सो नेक्स्ट अपडेट है आज का कोमोरिन सोलार से। कोमोरिन सोलार जो है एक ब्रांड है केटोम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का, और ये नेक्स्ट जनरेशन सोलार इंस्टॉलेशन कंपनी है जो की बेस्ड आउट है साउथ इंडिया में, और ये फोकस करते हैं अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट्स को। इस जॉब को अप्लाई करने से पहले आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सोलार प्रोजेक्ट्स का अप टू 1 ईयर का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जॉब पोजीशन यहाँ पर मेंशन किया है, पोजीशन एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर साइट इंजीनियर का रहेगा, और जैसे कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा डे टू डे उनको सुपरवाइज करना है सोलार PV इंस्टॉलेशन एट मल्टीपल साइट्स पर, और उनको इवैल्यूएट एंड एग्जीक्यूट करना है प्रोजेक्ट एज पर नेसेसरी डिजाइन एंड इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स
और उनको फॉलो करना है इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड एंड इम्प्लीमेंट करना है द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस एंड यस टू डू ट्रबल शूटिंग ऑफ ग्रिड लाइन टाई इन्वर्टर्स। और जॉब लोकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम केरला में रहेगा और जो भी कैंडिडेट इसी साइड से बिलोंग करते हैं उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा और सैलरी उनको दिया जाएगा 15,000 से लेकर 22,000 पर मंथ। आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी के डिटेल्स आपको जानना है तो आप कंपनी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेक्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से। ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 2001 और सेक्टर जो है टोटली कमिटेड है टू डिजाइन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टॉप क्वालिटी रिलायबल फायर एंड इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में। सो दोस्तों यहां पर इनके तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन अप्लाई करने से पहले बीटेक या बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो है साइट इंजीनियर के लिए और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी कंपनी के तरफ से दिया जाएगा और साइट इंजीनियर का जॉब रोल रहेगा डे टू डे, जैसे कि इसको विजिट करना होगा कस्टमर साइट अलोंग विद इंजीनियर एंड असिस्ट देम। सो जॉब लोकेशन की अगर बात करेंगे तो मोस्टली आपका वर्क जो है चेन्नई में रहेगा या फिर आउटसाइड चेन्नई रहेगा। अगर आउटसाइड चेन्नई रहेगा तो कंपनी की तरफ से आपको फूड एंड अकोमोडेशन का बेनिफिट भी दिया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, सैलरी रेंज रहेगा 13,000 to 16,000 पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, आप डायरेक्टली जो है इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और भी अगर आपको कुछ डिटेल्स जानना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अपडेट है आज का, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से है। टोटल शिपिंग जो है टोटल ग्रुप का पार्ट है, एक मल्टी कोर कंपनी है और ये वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी है जो प्रोवाइड करते हैं हाई वैल्यू इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। सो दोस्तों इनके तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका बीटेक या बी इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो फ्रेशर्स का ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो फ्रेश इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल उनका या तो इंटर्नशिप या तो ट्रेनिंग प्रोफाइल का रहेगा। सैलरी उनको दिया जाएगा 15,000 पर मंथ। लोकेशन इस जॉब का रहेगा पुणे के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो अपना रेज्यूम इस दो में से कोई भी एक ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और भी कंपनी के डिटेल्स आपको जानना है तो कंपनी का वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अपडेट है आज का, जैसे कि आप देख सकते हैं मेटलमैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से। इस कंपनी का पहले भी अपडेट आया था, हमारे पुराने चैनल पे हमने इस वीडियो को अपलोड किया था। आज के अपडेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर काफी अपडेट्स है फ्रेश इंजीनियर्स के लिए, मोर देन 50 वैकेंसीज अवेलेबल है। सो कंपनी के प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो ये एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग शीट मेटल ट्यूबुलर फैब्रिकेटेड असेंबलीज सब असेंबलीज विद इन हाउस सरफेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, जैसे कि निकल क्रोमियम प्लेटिंग, सीईडी पेंटिंग, इपॉक्सी पाउडर कोटिंग एंड फॉस्फेटिंग। सो दोस्तों यहाँ पर इनकी जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा या बीटेक इन ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा यहाँ पर फ्रेशर्स का ही रिक्वायरमेंट है तो फ्रेश इंजीनियर ही अप्लाई कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ओपनिंग्स जो है फ्रेशर्स के लिए 50 पोजीशंस अवेलेबल हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनको भी बोलिएगा इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, यानी कि दोनों के लिए यहाँ पर काफी वैकेंसीज हैं अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा उनका, यस टू एफिशिएंटली रन द शिफ्ट एंड यस टू प्लान एंड मीट क्वालिटी प्रोडक्शन एंड डिलीवरी टारगेट्स and he has to ensure 1S, 2S and GH activities in line using TPM as tool and he has to ensure safety, health and environment of man, material and machines and he has to create a safe, healthy work environment and harmonious relationship with employees and he has to be a part of the team with a positive approach. So salary range यहाँ पर दिया जाएगा 15,000 per month. Location की बात करेंगे तो job location रेवारी हरियाणा में रहेगा। So selection process की अगर बात करेंगे तो ये एक walk-in interview है, आप जो है company के address पर directly जाकर walk-in कर सकते हैं, एड्रेस आपको description box में मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आपको proper social distancing को maintain करना होगा और जो भी other guidelines company की तरफ से दिए हैं उनको भी follow करना होगा और फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स, ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिएगा, आने वाले जॉब के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।